सो हे गाइस, राम नमस्ते। और कैसे हो आप लोग? तो गाइस, स्वागत है आपका न्यू व्लॉग और रियली व्लॉग चैनल में। सो गाइस, आज काफी लेट व्लॉग स्टार्ट किया है आपके भाई ने। मतलब गाइस, कोई प्लान ही नहीं था मेरा व्लॉग बनाने का, कोई भी मूड नहीं था। और यहाँ पर चेहरा देख रहे हो गाइस, कितना मेरा जल गया पसीना, मतलब बहुत ज़्यादा लग गया मेरे चेहरे पे। सो मेरा मन ही नहीं कर रहा था और कोई कंटेंट ही नहीं था मेरे पास ऐसा कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, ब्लॉग शूट करूँ। सो गाइस, मतलब अभी एक घंटा पहले ही फैजान का फ़ोन आया। मतलब आपने पिछले ब्लॉगों में फैजान को तो देखा ही है मेरे साथ ब्लॉगों में। और गाइस, फैजान का फ़ोन आया मेरे पास कि हम लोग मतलब कहीं वाटर पार्क चलते हैं। तो अभी उसने घूमने का प्लान बनाया, फिर मैं उससे मना नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा यार चलो वाटर पार्क जा रहे हैं, मतलब तो व्लॉग शूट करते हैं और व्लॉग बनाते हैं। सो मतलब गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क और फैजान भी आ रहा है, मतलब रामबाग मिलेंगे अभी हम लोग। और मैं उन लोगों से रामबाग मिलूंगा, मतलब फैजान आ रहा है और एक उसका दोस्त है, उसका नाम भी फैजान बता रहा है। सो गाइस, अभी उन लोगों से रामबाग मिलूंगा, फिर उसके बाद निकलते हैं वाटर पार्क। और अभी ये कोई डिसाइड नहीं है कि कौन से किस वाटर पार्क जाएंगे हम लोग, मतलब कोई नाम नहीं है अभी। और देखते हैं जो अच्छा लगेगा वहाँ पर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे आगरा में काफ़ी वाटर पार्क हैं और काफ़ी नए नए खुल भी रहे हैं, काफ़ी नए नए बन रहे हैं जो गाइस। सो अभी फैजान आता है, उसकी कॉल आती है, रामबाग आता है जैसे ही। सो मैं फिर निकलता हूँ रामबाग के लिए और फिर हम लोग चलते हैं वाटर पार्क। सो गाइस, मेरा ये पूरा चेहरा देखिए कैसा हो गया भाई, पूरा जल गया है, मतलब तो काफ़ी ख़राब लग रहा होगा आप लोगों को मतलब कैमरे में। सो कोई बात नहीं भाई, ठीक हो जाएगा। मतलब एक दो बार में अभी मैं इस पर कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा मुल्तानी मिट्टी भी लगाता हूँ, काफ़ी चीज़ें करी हैं, तो ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी खाल मुलायम हो जाएगी तो साफ़ हो जाएगा। सो अभी चलते हैं, उसका कॉल आता है, फिर उसके बाद निकलते हैं गाइस। तो चलते हैं गाइस। फाइनली मुझे फैजान भाई रामबाग मिल चुके थे और हम लोग निकल चुके हैं अपने वाटर पार्क के लिए। तो उनके दोस्त भी उनके साथ आए हैं गाइज, तो वो एक्टिवा चला रहे हैं, फैजान बैठा बीच में, मैं बैठा हूँ पीछे गाइज। तो जल्दी पहुँचते हैं भाई अपने वाटर पार्क पे। और हमने देख भी लिया गाइज कौन से वाटर पार्क हम लोगों को जाना है, मतलब हमने मैप में सर्च कर लिया, प्रकाश वाटर पार्क नाम है उसका और वहीं जाना है गाइज। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया बता रहा है गाइज। तो पहुँचते गाइज, चलते। जो लोकेशन गूगल मैप बता रहा है गाइस, लगभग वहाँ पहुँच ही चुके हैं, मतलब अंदर की साइड बता रहे हैं प्रकाश वाटर पार्क गाइस। तो चलते हैं गाइस, जल्दी से ढूंढते और चलते भाई, एंजॉय करते। सो गाइस, फाइनली फैजान भाई मुझे मिल गए थे और एक और भाई आए हैं, उनका नाम भी फैजान है और एक और फैजान भाई हैं, मतलब दो दो फैजान भाई आए हैं गाइस। तो अभी हम वाटर पार्क पर भी पहुँच गए हैं, ये आपको पीछे ही दिख रहा है गाइस। तो अभी पहुँच चुके हैं और अभी लेते हैं इसमें एंट्री और चलते गए जल्दी से, क्योंकि गाड़ी भी उनने लगा दी है सामने, ये देखिए। तो फैजान भाई गाड़ी लेकर जा रहे हैं दूसरे फैजान भाई। और ये देखिए प्रकाश वाटर पार्क जो हम सर्च कर रहे थे मैप पे, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई, देखते हैं कैसा है। देखते हैं भाई, यहाँ पे तो गाड़ी पार्क करनी है, यहाँ पर गाड़ी पार्क होनी है, तो चलते आगे निकलते हैं भाई। सो भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही है यहाँ पर। और ये देखिए वहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है उनने। और गाइस मतलब भाई, अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अभी एंट्री लेते हैं और 100 रुपये एंट्री बता रहे हैं वो, और फिर एंट्री लेते हैं हम लोग। और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये देखिए सामने आपको दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से गाइस, ये यहाँ पर लोग काफ़ी भीड़ भी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी है, तो चलते। कपड़े ले लिए सबके लिए, ठीक है, तो चलते हैं गाइस, एंट्री लेते हैं अभी। और ये हमारे फैजान भाई, चलिए चलते गाइस, एंट्री देते फिर दिखाते हैं आपको। गाड़ी को पार्क करके अभी आ चुके हैं अंदर और फैजान ले रहा है टिकट, और मैं दिखाता हूँ आपको बाहर से ही अंदर का व्यू, कैसा व्यू है भाई। सो काफ़ी बढ़िया व्यू है अंदर और मौसम भी काफ़ी अच्छा है भाई, मतलब वाटर पार्क में इंजॉय करने वाला मौसम है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के दिन, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अभी हमने ले लिया एंट्री और अभी हमें करने हैं कपड़े चेंज, तो अंदर की साइड चलते भाई और कपड़े चेंज करते हैं अपने, फिर चलते हैं एंजॉय करने के लिए। और भी आ चुके हैं वाटर पार्क के अंदर। सो यहाँ पर देखिए 5 स्लाइड है भाई, इसमें 5 स्लाइड है जो एक एक मंजिल तक की स्लाइड है, काफ़ी मज़ा आएगा भाई। सो ये देखिए हम कपड़े उतार कर तैयार हो चुके हैं भाई, और फैजान भाई पीछे खड़े हैं, सबको देख रहे हैं भाई सब लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं। और भाई हम लोग भी देखिए तैयार हो गए हैं, मतलब इंजॉय करने के लिए, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के दिन, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा।
मैं फिसलने वाला हूँ इस हरी वाली स्लाइड में, मतलब सब स्लाइडों से अच्छी मुझे ये स्लाइड लगी भाई। और फैजान भाई इस पीली वाली स्लाइड में फिसलने वाले हैं, सो देखते हैं गाइस कैसे जाते हैं। फैजान भाई को देखता हूँ फिर उसके बाद ही मैं जाऊँगा गाइस। सो भाई सबको सामने से हटा दिया जा रहा है क्योंकि भाई एक किसी के ऊपर गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। तो इस चक्कर में फैजान भाई गए बैठ के और भाई फिसलते हुए नीचे चले गए भाई, तो मज़ा आ गया उनको। सो गाइस अब मेरी बारी है। सो गाइस फैजान मुझसे बोला मुझे जा कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं भाई। और मैं मुझे थोड़ी झिझक लग रही थी, मुझे काफ़ी डर सा भी लग रहा था भाई। सो ऐसे तैसे करके मैं बैठ गया और भाई बीच में दो तीन जगह मैं अटक गया, और अटकता हुआ बड़ी मशक्क़त के बाद बड़ी मुसीबतों से पहुंच गया भाई नीचे। मेरा फर्स्ट टाइम है तो काफ़ी डर लग रहा था मुझे, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था भाई। और चारों तरफ का व्यू देखिए, मतलब चारों तरफ खेत ही है वाटर पार्क के गाइस। और बारिश का मौसम भी हो गया भाई, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। और इस स्लाइड में मैं भी फिसला था तो वो वीडियो इन लोगों ने बनाई नहीं है, मतलब हम तीनों लोग फिसले थे गाइस, तो इन लोगों ने वीडियो नहीं बनाई। और गाइस जी देखिए काफ़ी मज़े कर रहे हैं, मतलब फैजान एंड फैजान भाई काफ़ी मज़े कर रहे हैं, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। और फिर हम गए पूल में, तो यहाँ पर मैंने और फैजान भाई ने काफ़ी इन्जॉय किया और फैजान भाई ने हमारी वीडियो बनाई गाइस। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर उसके बाद स्लाइड पर फिर से आ गए हम लोग फिसलने के लिए। सो देखते हैं कौन फिसलता है भाई। और स्लाइड में देखिए भाई काफ़ी लोग हैं, काफ़ी भीड़ है। और व्यू देखिए भाई, पीछे का व्यू देखिए, वाटर पार्क के पीछे का व्यू, मतलब चारों तरफ खेती है। और बारिश भी काफ़ी अच्छी हुई थी, काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी गाइस। तो देखिए चारों तरफ खेती है भाई, और व्यू देखिए भाई वाटर पार्क का काफ़ी अच्छा व्यू है भाई, बहुत ही बढ़िया भाई, सब नंगे नंगे दिख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है भाई। और जी देखिए स्लाइड में फैजान भाई और दोनों फैजान भाई देखिए बीच में ही अटक गए भाई, दोनों लोग बीच में अटक गए। फैजान भाई देखिए पैर के सहारे सरके जा रहे हैं भाई नीचे, सरके जा रहे हैं भाई। देखिए स्लाइड जाने नहीं दे रही है नीचे भाई, अरे जाने दे भाई, जाने नहीं दे रही स्लाइड भाई। ऐसे तैसे करके काफ़ी मशक्कत के बाद फैजान भाई फाइनली नीचे पहुंच चुके हैं भाई। तो यहाँ पर हमारी तरफ कई कुछ छपरी मिले जो हेलो कह रहे हैं हमारे ब्लॉग में, तो चलते आगे। पूरे प्रकाश वाटर पार्क का व्यू कुछ इस तरीके का दिख रहा था, मतलब एक कोने से खड़े होकर पूरा व्यू दिखा दिया मैंने गाइस। कितने नंगे बाबा डोल रहे हैं, मतलब काफ़ी नंगे बाबा डोल रहे हैं गाइस। सो यहाँ पर देखिए फिर से हम स्लाइड पर आ गए थे, मतलब ये पाइप वाली स्लाइड है। तो बारी बारी मैंने एंड फैजान भाई ने मतलब दोनों फैजान भाइयों ने यहाँ पर स्लाइड किया था। फिर उसके बाद मैंने इस स्लाइड में एक और बार ट्राई किया, तो अब तो नॉन स्टॉप आपका भाई नीचे उतर गया भाई, मतलब डायरेक्ट नीचे गया, तो काफ़ी मज़ा आ गया भाई। अब तो बिना रुके नीचे पहुंच गया भाई। थोड़ा डर जरूर लगता है, पर स्लाइड में फिसलने में जो मजा आता है भाई, वो पूल में नहाने में मजा नहीं आता है। पर सारे काम हमें सेफ्टी से करने पड़ते हैं भाई, चाहे आप स्लाइड में फिसलो चाहे पूल में नहाओ भाई, पूरी सेफ्टी दिखानी पड़ती हो। तो यहाँ पर देखिए फैजान पूल में नहा रहा है और मैं अभी पूल से निकला हूँ भाई, मतलब बाहर निकल के मैंने फैजान भाई से फ़ोन लिया है, मैं पूल से ही निकला हूँ भाई। और फैजान अभी पूल के अंदर ही है भाई। सो देखिए स्लाइड के बगल में जो सीढ़ियाँ ऊपर को गई हैं गाइस, इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है और स्लाइड से नीचे आना पड़ता है। और यहाँ पर नंगे बाबा कुछ लड़ रहे थे, मतलब यहाँ से कूदने के लिए, तो मैं भी कूदा था यहाँ से। सो मतलब भाई मुझे एक ही बार में भाई मज़ा आ गया, तो बस मैं फिर उसके बाद कूदा ही नहीं। और फिर मैं और फैजान भाई यहाँ पर पूल में इन्जॉय कर रहे थे, फैजान मुझसे दूर था तो मैं ऐसे ही उसको आवाज़ दे रहा था। फिर यहाँ पर हम लोग डुबकी लगा रहे थे और फैजान ऐसे ही डुबकी लगाते लगाते पता नहीं फैजान को फिर हुआ, मतलब फैजान को पता नहीं क्या हुआ, फिर वो अचानक भाई बाहर की तरफ आने लगा। मैंने पूछा उससे क्या हुआ भाई, सो उसने बोला कुछ नहीं। तो फिर वो बाहर की तरफ आने लगा और बैठ गया यहाँ पर साइड में भाई, तो मतलब नाक में या मुंह में पानी चला गया उसके। सो कोई नहीं गाइस, ऐसा हो जाता है कभी कभी, मैं भी डुबकी लगा रहा था तो मेरे भी चला गया था भाई, सो ऐसा हो जाता है। तो डुबकी लगाते समय भाई ध्यान देना पड़ता है कि कोई आपके ऊपर हाथ नहीं रख ले, कोई कुछ किसी का पैर ना आ जाए गाइस, तो काफ़ी सेफ्टी दिखानी पड़ती है भाई। फिर हुआ टॉक्स फैजान एंड फैजान भाई के बीच, मतलब दोनों ने शर्त लगाई थी आपस में कि पूल में पहले कौन कूदेगा, तो फैजान टॉक्स जीत चुका है, तो पहले पूल में फैजान कूदेगा, फिर उसके बाद फैजान भाई कूदेंगे पूल में। तो पहले छलांग फैजान ने लगाई, फिर उसके बाद फैजान भाई ने भी छलांग लगाई पूल में गाइस। सो अब टाइम आ गया वाटर पार्क से निकलने का, यहाँ पर कपड़े मैंने चेंज कर लिए और बाहर आ गए हम लोग निकल के। तो
टिकट वाले भैया पे हमारे कुछ पैसे रह गए थे, तो फैजान उनसे पैसे ले रहा है। फिर उसके बाद चलते गए इस घर के लिए निकलते हैं और काफ़ी इन्जॉय किया भाई। सो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग आपको हमेशा मिलते रहें गाइस। तो यहाँ से उठाते हैं अपनी गाड़ी और निकलते गए इस घर के लिए। सो कुछ खाएंगे बाहर जाकर भाई। तो यहाँ पर देखिए फैजान भाई एक्टिवा लेकर खड़े हैं। सो गाइस चलते हैं गाइस अपने घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में कुछ खा लेंगे थोड़ा बहुत। सो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया और ये वाटर पार्क भी काफ़ी अच्छा है भाई, मतलब काफ़ी बढ़िया है, ठीक है भाई। सो आसपास का एरिया भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी खूबसूरत है भाई, खेती इलाका है चारों तरफ। चलते गए इस घर के लिए। तो यहाँ पर फैजान एंड फैजान भाई से बाय बाय बोलकर हम भी निकलते हैं घर के लिए। तो उन्होंने मुझे रामबाग छोड़ दिया और फैजान फिर उतर गया था, क्योंकि उन्होंने बोला रोड क्रॉस करके बैठा लूंगा। तो चलते गाइस। सो अभी मैं भी चलता हूँ। सो फाइनली गाइस आपका भाई घर पर आ चुका है और काफ़ी इन्जॉय किया भाई, आज का दिन तो यादगार रहेगा और काफ़ी इन्जॉय किया। और गाइस जिस वाटर पार्क में हम लोग गए थे उसका नाम प्रकाश वाटर पार्क था, और एक और वाटर पार्क मेरे दोस्तों ने बताया था, तो गाइस वहाँ नहीं गए क्योंकि वो काफ़ी दूर पड़ रहा था हम लोगों को, तो इसलिए नहीं गए गाइस। तो इसमें गए, काफ़ी अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था ये, और काफ़ी स्लाइडें ऐसी थी जिनमें काफ़ी मज़ा आ रहा था भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सो फैजान एंड फैजान भाई ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा किया, और गाइस 100 रुपये में थोड़ा ठीक था, मतलब बढ़िया था भाई। सो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में भाई, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे गाइस। सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना और ब्लॉग को पूरा देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस ब्लॉग में, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। सो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और गाइस ये देखिए, ये भी मेरा थोड़ा जल गया, जो पसीना लग गया ना ये भी थोड़ा साफ़ हो गया, वहाँ पानी में रह के, मतलब इतने 2-3 घंटे पानी में रहे तो थोड़ा साफ़ हो गया, ऐसे ही करके साफ़ हो जाएगा गाइस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।